ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें अक्सर पूछा जाता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई ग्रह कुंडली में बली है या निर्बली है। ठीक है, ये अक्सर जो क्लाइंट आते हैं हम लोगों के पास या हम लोगों को विजिट करते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि सर जी, हमें बताइए कि ये जो ग्रह है कैसे आप लोग निर्धारित करते हैं कि ये बली है या निर्बली है, इसका रिजल्ट कैसा होगा। देखिए, ग्रह बली है या निर्बली है वो विभिन्न फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके कहा जाता है। उसके लिए आपको तो एस्ट्रोलॉजी समझना होगा, एस्ट्रोलॉजी के बुक्स भी पढ़ना होगा, और साथ ही साथ जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन लोगों से भी बातचीत करना होगा ग्रहों की बलाबल के ऊपर। देखिए, अगर हम एक ही सिद्धांत लेके अगर हम चले तो हमें एस्ट्रोलॉजी की जो संज्ञा है वो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे पुस्तकें हैं, वो भी हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, फिर गुरुओं से सीखना भी होगा। आपके घर के सामने अगर कोई गुरु है तो उससे जाके बातचीत कीजिए कि ग्रह का पोजीशन क्या होता है और उसका बली निर्बली क्या होता है। तो आज की जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि हम किन किन स्थिति में बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि कोई ग्रह बली है या निर्बली है। तो आज हम समझेंगे कि ग्रह में हम कैसे देख के जान सकते हैं कि कोई ग्रह बली है या निर्बली है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बली ग्रह के ऊपर बली ग्रह को कैसे देखते हैं, और आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि निर्बली ग्रह को कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि कुंडली में बली ग्रह का शयन हम कैसे करें। देखिए, अगर कोई ग्रह कुंडली में अपने उच्च राशि में हो तो वो ग्रह बली होता है, और अगर वो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी सौ राशि में हो या अपने मित्र की राशि में हो तो अकॉर्डिंग टू दैट मूल त्रिकोण में ज़्यादा बली होगा, सौ राशि में उसका बाद का बली होगा, और मित्र राशि में वो थोड़ा कम बली होगा। लेकिन ये सब में ग्रह को बली ही समझा जाएगा, ग्रह बली ही होगा। और दूसरा जो विधि है वो हम कैसे समझ सकते हैं, अगर शुभ ग्रहों के साथ कोई ग्रह जुटी में हो या दिष्ट में हो, शुभ ग्रह के साथ कोई ग्रह एक साथ एक ही भाव में हो, ठीक है, और अगर कोई शुभ ग्रह उसी ग्रह को अगर दृष्टि देता हो तो वो ग्रह बली माना जाता है। और देखिएगा कि केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र क्या है, एक साथ सात और दस भाव को केंद्र भाव कहते हैं, और त्रिकोण भाव जो है एक पांच और नौ भाव को त्रिकोण भाव कहता है। या तो शुभकर्तारी, शुभकर्तारी मतलब अगर ग्रह जहां पर बैठा है उससे एक घर आगे या एक घर पीछे अगर कोई शुभ ग्रह हो, ठीक है, या ग्रह जिस राशि में बैठा है उससे डिग्री वाइज जो जिस ग्रह का वो बली ग्रह का अगर डिग्री वाइज कोई ग्रह उससे आगे भी शुभ ग्रह हो और उसके पीछे भी डिग्री वाइज अगर शुभ ग्रह हो तब भी वो शुभकर्तारी में आ जाएगा और वो ग्रह जो है उसे बली बना देगा, वो ग्रह बली होगा। फिर वर्गों में देखिए, सभी वर्गों में देखना होगा, डिविजनल चार्ट में, डिविजनल चार्ट में ग्रह अगर शुभ हो तो बली होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा कि डिविजनल चार्ट के आधार पर हमें तय करना होगा कि ग्रह बली है या निर्बली है। अगर डिविजनल चार्ट में भी कोई ग्रह अपने उस राशि में हो या मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या शुभ राशि में हो,
वर्गों में, मैक्सिमम वर्गों में अगर ऐसे स्थिति आते हैं तो वो ग्रह जो है बलि होता है। और देखिएगा कि अगर कोई ग्रह अगर नीच राशि में ना हो या सूरज के साथ अगर अस्त नहीं हुआ हो और या राशि में पराशरी हिसाब से राशि में अगर प्रारंभिक जो अंश में, ठीक है, 0 से 5 अंश के बीच में ना हो या अंतिम जो 5 अंश है वहाँ पर ना हो, जैसे कि 25 से 30 के बीच में ना हो, तो वो ग्रह बलि होता है। और ग्रह जो है मृत्यु भाव में ना हो तो वो ग्रह बलि होता है। और अष्टक वर्ग भी देखना होता है। अष्टक वर्ग एक ग्रह का, कोई ग्रह अगर गोचर में जब ट्रांजिट करता है तो सभी ग्रह उस ग्रह को कुछ ना कुछ बिंदु देता है या नहीं देता है। अगर बिंदु देता है, अगर वो बिंदु अष्टक वर्ग में सार से ऊपर का हो, सार होना चाहिए, अगर सार हो तभी ग्रह बलि होगा, अगर सार से ऊपर का हो तब और भी बलि होगा। अष्टक वर्ग में देखिएगा कि ग्रह सार हैं या सार से ऊपर में हैं, ऊपर में बिंदु लिए बैठा है तो वो ग्रह बलि होगा। और साथ ही साथ 6th house, 8th house और 12th भाव में ग्रह को स्थित नहीं है, ग्रह अगर वो ग्रह नहीं होगा तो वो ग्रह को बलि माना जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कुंडली देखकर कि ग्रह बलि है या निर्बलि है। देखिए कि पराशर जी का मत में क्या है, जैसे कि हमने समझा कि ग्रह की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें से अंश, प्रारंभिक से अंश या अंतिम से अंश में अगर कोई ग्रह है तो वो खराब रिजम, वो मतलब निर्बली होता है। और इसमें क्या बोला है, बोला गया है कि सम और विषम राशि में, ठीक है, हमें पहले जानना होगा कि विषम राशि में अगर से अंश से अंतिम जो से अंश है, ठीक है, और सॉरी विषम राशि में जो प्रारंभिक से अंश है, माफ कीजिएगा, विषम राशि में प्रारंभिक से अंश है और सम राशि में अंतिम से अंश में अगर कोई ग्रह होगा तो वो मृत अवस्था को प्राप्त करेगा। अगर ग्रह ऐसे भाव में ना हो उसे क्या कहता है कि मृत्यु भाग बोलते हैं, और मृत्यु भाग में अगर कोई ग्रह ना हो तो वो ग्रह बलि होता है। और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है कि शुभ ग्रह के लिए, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ होता है कि वो केंद्र या त्रिकोण में रहे। शुभ ग्रह कौन कौन है, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, जो सीन चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्णिमा का चंद्रमा हुआ, फिर पाप रहित बुध भी शुभ माना जाता है। ये सार ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ये ग्रह बलि होता है। और पापी ग्रह, ठीक है, पापी ग्रह अगर 30-30 भाव में हो, 3 से और 11 भाव में हो, 11th हाउस में हो, ठीक है, 11वीं भाव में हो, तो वो ग्रह बलि होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि कुंडली देखकर कि ग्रह बलि है या निर्बलि है। और वो ग्रह बलि है तो कुंडली के लिए क्या शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके लिए भी विचार अलग से करना होता है। देखिए कुंडली बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि ग्रह बलि है, साथ ही साथ अगर कारक है तो कुंडली के लिए फायदेमंद होगा। अगर ग्रह अगर बलि है और वो मारक है तो ये कुंडली के लिए लॉस ही देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हमने क्या समझा कि कुंडली देखकर हम कैसे जान सकते हैं कि कोई ग्रह बलि है। जो आने वाला वीडियो होगा हम वहाँ पर जानेंगे कि कुंडली देखकर हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या कोई ग्रह निर्बली है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।